वेल, अगर आपने 83 देखी है तो आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट ताहिर राज भसीन, जिन्होंने सुनील गावस्कर का किरदार निभाया है फिल्म में. वेल, गेस व्हाट, इनके पास दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्द ही OTT पर नजर आएंगे. तो चलिए आज इनसे करते हैं एक खास मुलाकात. देखे तो सही हाउ ही इज गेट अप फॉर द ईयर 2022. चलने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, उनका स्टाइल सब लोग जानते हैं. ग्लव उतारने का तरीका, उनका बैट पकड़ने का तरीका, आउट होने का तरीका, बात करने का तरीका, तो फॉर एन एक्टर इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. हमारे देश में लोग दो चीज़ों के लिए पागल हैं, फिल्में और क्रिकेट. कैमरा के लिए मैं उनके तरह पोस्चर्स और स्टांस और स्ट्रोक्स जो है मार सकता हूँ. एक एक्टर की चमकती हुई लाइफ तो हर किसी को दिखती है, पर उस बीच में जो स्ट्रगल होता है वो शायद ही कोई जानता होगा. और आज हमारे साथ हैं ताहिर राज भसीन. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द फिल्म एंड वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स. जानना चाहूँगी मैं, मर्दानी से लेके 83 तक कैसी रही आपकी जर्नी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं ना, मतलब शुरुआत जो थी वो थोड़ी धीमी थी, क्योंकि बम्बई में आया था, 3 साल लगे थे मुझे मर्दानी मिलने से पहले. और फिर जब मर्दानी आई तो वो कहते हैं ना कि फ्राइडे को आपकी ज़िंदगी बॉम्बे में बदल जाती है, वो वाकई में मेरे साथ हुआ था. और मर्दानी के बाद एक बहुत ही, मतलब ये मेरे तरफ से ही एक डिसीजन था कि मैं हमेशा जब करूँ तो कुछ अलग करूँ पर्दे पर. तो मर्दानी के बाद जब फोर्स 2 आई उसमें हल्का सा कुछ अलग हुआ. मंटो आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, उसमें भी कुछ अलग. छिछोरे जो लोगों को बेहद पसंद आई, और अब जाके 83 आई है. तो हमेशा कोशिश ये रही है कि जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो थोड़ा हटके हो, थोड़ा अलग हो. अब सुनील गावस्कर का रोल निभा रहे हो, कितनी कठिनाइयाँ थी, क्या कुछ था? जी, मतलब जैसे कि आपने कहा, एक इतना बड़ा नाम तो सुन के ही जो है आदमी थोड़ा टेंस हो जाता है कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. उसके ऊपर से आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त सबके फ़ोन कॉल की एक्टिंग तो हो जाएगी, तो क्रिकेट खेल पाएगा क्या? और मैं एक नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो एक नॉन क्रिकेटर को सुनील गावस्कर बन जाना 7 महीने लगे थे. और मैं ये अभी भी नहीं कहूँगा कि मैं सुनील सर की तरह क्रिकेट खेल सकता हूँ. कैमरा के लिए मैं उनके तरह पोस्चर्स और स्टांस और स्ट्रोक्स जो है मार सकता हूँ. और इसे हमने किया अकॉम्प्लिश, एक तरह स्पोर्ट्स कोरियोग्राफी इसे कहते हैं, स्टेप्स की तरह ब्रेक डाउन करके, हर स्टेप को कुछ हफ्ते कुछ महीने प्रैक्टिस करके, और फिर उनको एक साथ कंबाइन करके हमने जो है इसको अचीव किया. और स्ट्रेस इसीलिए था क्योंकि वो एक अभी भी इतने जाने माने आइकॉन हैं. YouTube पे उनके इंटरव्यूज़ हैं, वो कमेंट्री करते हैं, तो उनका चलने का अंदाज़, उनके बात करने का अंदाज़, उनका स्टाइल सब लोग जानते हैं. और हमारे देश में लोग दो चीज़ों के लिए पागल हैं, फिल्में और क्रिकेट. और जब आप उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो लोग एकदम माइक्रोस्कोप लेकर उसे स्प्लिट स्क्रीन करके कंपेयर करते हैं. आज जब दर्शक पिक्चर देखकर आए हैं और मुझे चाहे ट्विटर पे हो या इंस्टाग्राम पे हो मैसेज कर रहे हैं कि लव्ड योर वर्क, लव्ड द न्यूआंसेस, जो मैनरिज्म्स हैं उनके, उनका ग्लव उतारने का तरीका, उनका बैट पकड़ने का तरीका, आउट होने का तरीका, बात करने का तरीका, तो फॉर एन एक्टर इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. बात करें को एक्टर्स की, तो एक एनर्जी चाहिए रहती है और वो को एक्टर्स से ही मिलती है. एंड आपके साथ जो हैं रणवीर सिंह, काफ़ी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनसे कुछ एनर्जी शेयर हुई आपकी, आपने कुछ शेयर किया? जी, मतलब रणवीर को तो माना ही जाता है एक एनर्जी पावर हाउस. पर एक स्पोर्ट्स फिल्म में जब जो एक्टर लीड कर रहे हैं एज कैप्टन ऑफ द टीम, जब वो अपनी एनर्जी लेकर आते हैं तो ये बाकी लड़कों को मोटिवेट करता है. रणवीर हमेशा अपने वाइट क्रिकेट यूनिफॉर्म में आते थे, प्रैक्टिस में सबसे पहले आते थे, सबसे एंड में छोड़ते थे प्रैक्टिस को, तो उनकी जो है मोटिवेशन और लगन देखकर लोगों को लगता था कि हाँ, हमें भी करना है. काली काली आँखें, रंजिश, ऐसे बड़े बड़े वेब सीरीज़ आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अपनी शुरुआत की थी, अब जाके यू नो, कहीं पे स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्या टेक है आपका? जी, कभी कभी मतलब मैं रुक के खुद जब ऐसे ट्रेलर्स रिलीज़ होते हैं और अनाउंस होते हैं, तो एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड की एक फीलिंग होती है, एक थैंकफुलनेस होता है कि दर्शकों ने देखा, पसंद किया है काम. हर समय बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े स्टूडियोज़ ने कुछ ना कुछ देखकर फिर आगे एक अलग स्क्रिप्ट ऑफर करी है. आज भी जिस तरह की स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, एक्साइटिंग रहता है एक आर्टिस्ट के लिए. वही चीज़ दोहराना
ना दोहराते हुए अगर कुछ अलग कर पाओ, दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट. क्योंकि जो लूप लपेटा है तापसी पन्नू के ऑपोजिट एक रोमांटिक हाइस्ट है, ये काली काली आंखें एक रोमांटिक थ्रिलर है जो नेटफ्लिक्स पर आएगा. रंजेश ही सही महेश भट्ट ने क्रिएटिवली प्रोड्यूस किया है. उसमें एक लव ट्राइंगल है. अमला पॉल इस सीरीज़ में है जो केरला की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं. अमृता पुरी जिनको आपने कायपोचे और आयशा में देखा हुआ है. तो इन अ वे मैं कहूँगा कि जो आने वाला साल है उसमें एक रोमांटिक हैट्रिक हो रही है मेरी. मतलब पहले कभी भी रोमांटिक किरदार ना निभाते हुए और अब एक हैट्रिक में बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स. तो बस थैंकफुल हूँ और एक तरह से एक्साइटेड भी हूँ कि फैंस, मीडिया, दोस्त, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब देख के. थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यू. कैमरा पर्सन आतिश कामले के साथ रिजला फर्नांडिस, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.